हेलो एवरीवन, हाँ जी हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्टेट ऑफ मैटर में लास्ट टाइम हमने किया था काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस तरह से डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ठीक है। और हमने डिराइव की थी रिलेशनशिप कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 इंटू आर टी, मीन्स टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल वो इक्वल टू होती है 3/2 इंटू के टी। के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था और जो के की वैल्यू है वो होती थी आर बाई एन ए, ठीक है, मीन्स गैस कॉन्स्टेंट 8.314 डिवाइड बाय आप गैट हो नंबर 6.0022 10^23, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट आज हम करते हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस एंड डेविएशन ऑफ आइडियल गैसेस। बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस मींस यहां से रियल गैसेस इंट्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस या फिर मैं बोल सकता हूं डेविएशन ऑफ आइडियल गैसेस। देखिए, सबसे पहले तो आइडियल गैस क्या होती है, जो ओबे करती है आइडियल गैस इक्वेशन को, ठीक है। जो भी गैस ओबे करती है आइडियल गैस इक्वेशन को पीवी इक्वल टू एनआरटी को, ठीक है। और आइडियल गैस इक्वेशन में बॉयल्स लॉ भी आ गया, गेलुसाक्स भी, चार्ल्स लॉ भी, ठीक है, जो सभी लॉज को फॉलो करती है वो आइडियल गैस होती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, ठीक है। आइडियल गैस वो होती है जो ओबे करती है आइडियल गैस इक्वेशन को अंडर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, लेकिन एक्चुअल में कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, ठीक है। सभी टेम्परेचर और सभी प्रेशर पर कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ये आइडियलिटी का प्रोसेस है वो थियोरेटिकल है और हाइपोथेटिक है, मींस काल्पनिक है, मैं सिर्फ सोच सकता हूं, एक्चुअल में कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। और जो कंसेप्ट है आइडियलिटी का वो सिर्फ वैलिड हो सकता है लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। सभी कंडीशंस पर ये वैलिड नहीं हो सकता, सिर्फ वैलिड हो सकता है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाँ जी, तो जो आइडियलिटी का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो हाइपोथेटिक है, सिर्फ सोच सकते हैं हम, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, एक्चुअल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो सारी की सारी गैसेस है वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती, वो रियल बिहेवियर शो करती हैं, ठीक है, जिनको मैं रियल गैस की टर्म में बोल सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ वो आइडियल गैस से क्या हो सकता है, डेविएट हो सकता है, आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन शो करती है, ठीक है, आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं करती। मैं बोल सकता हूँ कि जो गैसेस सोल्युबल होती है वाटर में, ठीक है, जैसे CO2, जो गैसेस सोल्युबल होती है वाटर में जैसे CO2, SO2, ठीक है, उनके अंदर बहुत ज्यादा डेविएशन होता है आइडियलिटी से, ठीक है, या आइडियल गैस बिहेवियर से वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, ठीक है। और जो गैसेस नॉन सोल्युबल होती है वाटर में जैसे H2 या स्लाइटली सोल्युबल होती है वाटर में H2, O2, N2, जो कि नॉन सोल्युबल या फिर स्लाइटली सोल्युबल होती है, उनकी जो बिहेवियर होता है वो आइडियल बिहेवियर से कम डेविएट होता है, उनके अंदर कम डेविएशन होता है। और जो गैसेस सोल्युबल है जो इजीली लिक्विफाई हो सकती है, हम बोल सकते हैं कि जो इजीली लिक्विफाई हो सकती है उनके पास ज्यादा डेविएशन होगा देन द गैसेस विच आर इनसोल्युबल और स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर, ठीक है। हाँ जी, तो इस डेविएशन को आइडियल गैस के बिहेवियर से जो गैसेस डेविएट हो रही है, कोई ज्यादा डेविएट हो रही है और
कोई कम डेविएट हो रही है। इस डेविएशन को मैं किस तरह से समझ सकता हूं, ठीक है, स्टडी ऑफ डेविएशन। देखिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स ला क्या बोलते हैं कि जो पीवी इक्वल टू होता है वो कांस्टेंट होता है, या फिर मैं बोल सकता हूं जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं पीवी एंड पी के बीच, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं पीवी के बीच और प्रेशर के बीच, ठीक है, हां जी, तो जो आइडियल गैस है, हालांकि ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आइडियल गैस है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आता है जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो मैं ये शो कर देता हूं कि जो ये ग्राफ आया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो आएगा आइडियल गैस की फॉर्म में, ठीक है, आइडियल गैस है वो ये ग्राफ शो करता है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, या पैरेलल टू प्रेशर, ठीक है, हां जी। लेकिन जब मैंने हाइड्रोजन और हीलियम का जो ग्राफ देखा है, ठीक है, उसमें मैंने देखा हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ, जो हीलियम है वो इंक्रीज हो रहा है, आना चाहिए था क्या आइडियल गैस की टर्म में, अगर वो आइडियल बिहेवियर शो करता है, लेकिन आया क्या इससे थोड़ा ऊपर, मींस इससे डेविएशन इसने दिखा दिया, ठीक है, इससे डेविएशन दिखा दिया। और जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो जो इसका डेविएशन है वो भी रेगुलर इंक्रीज होता चला गया, ठीक है। इसी केस में जब मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन गैस भी इससे डेविएट हुआ और इस तरह से जो स्ट्रेट लाइन है वो शो करने लग गया, क्लियर है। तो इसका मतलब आइडियल बिहेवियर से दोनों गैसेस ने क्या किया, डेविएशन शो किया था, ठीक है। उसके बाद जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन का बिहेवियर देखा है, ठीक है, तो उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है पहले तो प्रेशर के साथ डिक्रीज हुई, फिर जब उसमें जो डिक्रीज है या डेविएशन है मिनिमम लेवल पर आ गया, उसके बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, ठीक है, इंक्रीज होना स्टार्ट होगी और प्रेशर के साथ इंक्रीज होती चली गई, ठीक है। तो ये आया मेरे पास बिहेवियर या पीवी वी ग्राफ आया कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। फिर मैंने देखा मीथेन का, मीथेन में क्या हुआ, जब मैंने प्रेशर इंक्रीज किया उसके पास भी डेविएशन आया, ठीक है, और वो क्या होगा, जो पीवी है उसका जो, या जो डेविएशन है वो क्या होगा, इंक्रीज हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद मिनिमम लेवल अटेम्प्ट करने के बाद फर्दर वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, मिनिमम लेवल अटेम्प्ट करने के बाद फिर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वो फर्दर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया था, ठीक है, हाँ जी। फिर मैंने इसको और अच्छे से समझने के लिए पीवी ग्राफ लिया, ठीक है। पीवी ग्राफ में मैंने देखा कि जो लाइन आ रही थी आइडियल गैस के लिए, मान लो ये इक्वेशन, ये लाइन शो करती है आइडियल गैस को, ठीक है, आइडियल गैस को। फिर मैंने ली और गैसेस, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, पहले तो मैंने इससे प्रूव किया था, ठीक है, कि ये आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती, और अगर आइडियल बिहेवियर शो करती तो ग्राफ इसके अकॉर्डिंग जाता या इस पर कोइंसाइड करता, ठीक है। लेकिन किसी भी गैस ने इसको कोइंसाइड नहीं किया, ठीक है, इसके साथ साथ कोई भी गैस नहीं चली, ग्राफ उनका क्या आया, डेविएशन आई, ठीक है, कोई ऊपर की तरफ डेविएट हो रहा था, कोई नीचे की तरफ डेविएट हो रहा था, ठीक है। फिर मैंने प्रेशर और वॉल्यूम से इसको समझा, ठीक है, ग्राफ लेकर मैंने देखा कि जो आइडियल गैस है उसके ये कर्व शो करता है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम, क्योंकि मुझे पता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जो आइडियल गैस है वो प्रेशर और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है और प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जब मैंने रियल गैस के लिए मीन्स कोई भी गैस मैंने ली, ठीक है, तो हमारा ग्राफ इस तरह से आया,
हमारा ग्राफ आया इस तरह से, रियल गैस मींस ये भी जो रियल गैस है वो भी आइडियल गैस को कोइंसाइड नहीं की, ठीक है, मींस इस जैसा ग्राफ उसने भी नहीं लिया, क्लियर है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो गैसेस आ रही हैं हमारे पास, जो गैसेस हमारे पास प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती, और अगर आइडियल बिहेवियर शो करती तो उनका ग्राफ इस तरह से आता, इस आइडियल गैस बिहेवियर को कोइंसाइड करता, क्लियर है। हाँ जी, फिर इसको हम देख सकते थे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की सहायता से, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक तो हमने ग्राफ की हेल्प से इसको देखा है, पीवी और वी के बीच ग्राफ, जिससे हमने देखा कि इसमें डेविएशन आ रहा था, आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन आ रहा था, तो हमने उन गैसेस को बोल दिया रियल गैसेस, ठीक है, और प्रूव कर दिया कि आइडियलिटी सिर्फ एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ठीक है, काल्पनिक प्रोसेस है, रियल में ये लागू नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, द एक्सटेंट ऑफ टू विच ए रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी एक्सटेंड कैन बी स्टडीज इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम एक्सटेंट की कितना डेविएट होता है आइडियल गैस से, ठीक है, जो रियल गैसेस हैं उनका बिहेवियर कितना डेविएट होता है, कितना नेगेटिव जाता है, कितना पॉजिटिव डेविएट होता है, वो हम पता लगा सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से, ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं जेड से, क्लियर, जिसको मैं जेड से रिप्रेजेंट करता हूं, और जेड हमारे पास होगा पीवी बाय एनआरटी, क्लियर, जेड इक्वल होता है पीवी बाय एनआरटी। तो मैं लिख सकता हूं फॉर आइडियल गैस जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू होगी 1, z इज इक्वल टू होगा 1। तो अगर मैं यहां पर 1 पुट करता हूं तो लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू nRT क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये क्या आ गया आइडियल गैस इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो आइडियल गैस है उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी की फैक्टर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, फॉर रियल गैस है उसके लिए तो ये 1 नहीं होगा, ठीक है, फॉर रियल गैस जेड नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, जेड नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो पीवी है वो नॉट इक्वल टू एनआरटी होगा अगर 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन होगी, लेकिन पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी शो करता है रियल गैस इक्वेशन को, ठीक है, और अगर जेड नॉट इक्वल टू 1 है तो या तो 1 से ज्यादा होगा या फिर 1 से कम होगा, ठीक है। हाँ जी, तो मैं इनको क्लासिफाई कर सकता हूं रियल गैस को, ठीक है, कि जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से ज्यादा है या 1 से ज्यादा है, और जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिन गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से कम है, ठीक है। मैं लिख सकता हूं फॉर रियल गैस जेड नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब या तो 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, ठीक है। हाँ जी, इफ नंबर फर्स्ट, इफ जेड लेस देन 1 है, क्लियर, अगर जेड लेस देन 1 है, जैसे मैं ग्राफ से शो करता हूं, साथ ही साथ ग्राफ से हम समझ सकते हैं, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मैंने ग्राफ लिया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच अगर मैं ग्राफ लेता हूं, प्रेशर के बीच ग्राफ लेता हूं, ठीक है। हाँ जी, ये आइडेंटिटी को शो करता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है अलोंग टू या पैरेलल टू एक्स एक्सिस शो करता है आइडियलिटी को या आइडियल गैस बिहेवियर को, तो इसके लिए जेड होगा 1 के बराबर, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर होगा, ठीक है। हाँ जी, इफ जेड लेस देन 1, अगर जेड 1 से कम है तो इसके नीचे लाई करेगा, और अगर जेड 1 से ज्यादा है तो इसके
ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो मैं गैसेस एक बार लिख लेता हूं, ये डेरिवेशन आया है CO2 के लिए, CO2 गैस के लिए, क्लियर है। हाँ जी, ये डेरिवेशन आया है CH4 मीथेन गैस के लिए, O2 के लिए डेरिवेशन आया है, उसके बाद हीलियम गैस, उसके बाद हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये मेरे पास गैसेस जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और पी के बीच जो ग्राफ शो करता है, ठीक है। हाँ जी, इफ जेड इज इक्वल टू इज इफ जेड लेस देन इक्वल टू वन, और वो गैसेस होंगी सी एच फोर सी ओ टू, क्लियर है, जिनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वन से कम है, मींस जो इससे नीचे लाई करती है, कौन सी लाई करती है, सी एच फोर लाई करती है, सी ओ टू लाई करती है, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि और उनको हम क्या बोलेंगे, वो क्या शो करती हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करती है, ठीक है। मींस ये एक मेरी रियल वैल्यू है, और इनसे जो अलग चली गई तो इसका मतलब उसमें डेविएशन आ गया है, ठीक है, वो मुड़ गई है, अपने पाथ से डाइवर्ट हो गई है, और अगर वो नीचे चली गई तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नेगेटिवली डेविएट हुई है, और अगर वो ऊपर चली गई तो वो पॉजिटिवली डेविएट हुई है, क्लियर है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, क्लियर है। और जो गैसेस नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं, ठीक है, वो गैसेस क्या होंगी, मोर कंप्रेसिबल गैसेस होंगी, ठीक है। दीज गैसेस आर, दीज गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल, मोर कंप्रेसिबल मींस उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्लियर है। तो इसका मतलब अगर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी तो उनके बीच, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तभी तो वो कंप्रेसिबल हो रही है, तभी तो वो लिक्विफाई होती है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, पास पास आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनका इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रीडोमिनेट, उनके अंदर क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रीडोमिनेट, प्रीडोमिनेट, क्लियर है। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी, प्रीडोमिनेट होगी, किस पर, रिपल्सिव फोर्सेस पर, ठीक है। प्रीडोमिनेट मतलब हैवी हो जाना, ठीक है, जैसे कि रिपल्शन फोर्सेस है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो बात किसकी मानी जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस की, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीडोमिनेट करना, क्लियर है, ठीक है। यहां पर मानी जाएगी अट्रैक्टिव फोर्सेस की, तभी वो कंप्रेसिबल हो सकती है, तभी वो लिक्विफाई हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट केस हम पढ़ते हैं, अगर जेड ग्रेटर देन वन है, इफ जेड ग्रेटर देन वन मीन्स जिनके पास पॉजिटिव डेविएशन आता है, इफ जेड ग्रेटर देन वन, क्लियर है, अगर ग्रेटर देन वन है तो मतलब जो डेविएशन है ऊपर की तरफ होगा, जैसे हीलियम में आया, नीचे तो नहीं आया, हीलियम में आया, जैसे हाइड्रोजन में आया, क्लियर है। हाँ जी, तो वो गैसेस शो करेंगे, शोज पॉजिटिव डेविएशन, वो गैसेस शो करती हैं पॉजिटिव डेविएशन, क्लियर है। हाँ जी, पॉजिटिव डेविएशन अगर वो शो करती हैं तो इनके बीच ये क्या होंगी, लेस कंप्रेसिबल होंगी, या फिर कंप्रेसिबिलिटी इनकी कम होगी, लेस कंप्रेसिबल, क्लियर है, ये कंप्रेस नहीं हो सकती, और अगर कंप्रेस नहीं हो सकती तो ये दूर दूर लाई करेंगी, और अगर दूर दूर लाई करती है तो इनमें रिपल्शन फोर्सेस आती है, ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, तो मैं लिख सकता हूं रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस प्रीडोमिनेट, प्रीडोमिनेट, क्लियर है, इनमें क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस प्रीडोमिनेट करती है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो ये डेविएशन आता है, ये डेविएशन आता है, ये नेचर ऑफ द गैस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि गैस किस तरह की है, जैसे CO2 है, CO2 है, उसका डेविएशन क्या है, ज्यादा है, यहां से उसका डेविएशन क्या है, ज्यादा है, क्लियर है। और जो हाइड्रोजन गैस है उसका डेविएशन क्या है, कम है, क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूं ये गैसेस पर डिपेंड करेगी, गैसेस के नेचर पर डिपेंड करेगी कि आपने कौन सी गैस को
लिया है, ठीक है। अंडर एस्टिमेशन कौन सी गैस को लिया है, CO2 लोगे तो डेविएशन ज्यादा आएगा और हाइड्रोजन गैस लोगे तो डेविएशन कम आएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो डेविएशन है वो नेचर ऑफ गैस पर तो डिपेंड करता ही है, डेविएशन है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्लियर है। डेविएशन है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैं बोल सकता हूं, मैं ग्राफ लेता हूं नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का ग्राफ ले लेता हूं मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड प्रेशर के बीच, ठीक है, ये आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, जिसमें जेड इज इक्वल टू 1 होता है, क्लियर है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के बराबर होता है, क्लियर है। हाँ जी, अगर मैं नाइट्रोजन गैस को लेता हूं तो मैं देखता हूं 223 केल्विन टेम्परेचर पर वो ये डेविएशन शो कर रहा है, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसका डेविएशन कम हो जाता है, 273 केल्विन पर ये डेविएशन हो जाता है, क्लियर है। और अल्टीमेटली जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता चला जाता हूं, जैसे नाइट्रोजन के केस में 323 केल्विन अगर मैं कर देता हूं टेम्परेचर 323 केल्विन अगर नाइट्रोजन का केस लेता हूं तो जो डेविएशन है वो क्लोज आ जाता है बिल्कुल जेड इज इक्वल टू 1 के, मींस उसमें आइडियलिटी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मींस जो नाइट्रोजन गैस है वो आइडियल बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देती है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो डेविएशन है वो डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर भी, और टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता चला जाऊंगा तो जो डेविएशन है वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस बिहेव्स लाइक ए आइडियल गैस, क्यों, उसका डेविएशन कम हो गया, जेड इक्वल टू 1 के बराबर आता चला गया, तो इसका मतलब उसमें आइडियलिटी आती चली गई और उसका रियल बिहेवियर कम होता चला जाता है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जिस पर एक रियल गैस बिहेव करने लग जाती है आइडियल गैस की तरह, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। और नाइट्रोजन का बॉयल्स टेम्परेचर क्या होगा, 323 केल्विन, क्लियर, हम लिख सकते हैं बॉयल्स टेम्परेचर क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस एट पार्टिकुलर प्रेशर, क्लियर, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉयल्स टेम्परेचर बोलेंगे, क्लियर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्या महत्व है इसका, सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, क्लियर है। हाँ जी, हमें पता है जेड इज इक्वल टू द पीवी रियल बाय एनआरटी रियल गैस के लिए, क्लियर है, पीवी रियल बाय एनआरटी, और आइडियल गैस के लिए होगा पीवी आइडियल इज इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है, तो वी आइडियल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस होगा एनआरटी बाय पी, क्लियर है, ये भी क्या है एनआरटी बाय पी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इस वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूं, ठीक है, एनआरटी बाय पी की वैल्यू वी आइडियल इसमें पुट कर देता हूं, ठीक है, इसको क्या कर दूंगा, वन बाय बी आइडियल इज इक्वल टू क्या बना, पी बाय एनआरटी, क्लियर है। हाँ जी, पी बाय एनआरटी की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये आ गया मेरे पास जेड इज इक्वल टू वी रियल बाय वी आइडियल, क्लियर, जेड इज इक्वल टू बन गया वी रियल बाय वी आइडियल। तो मैं लिख सकता हूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को, या फिर मैं डिफाइन कर सकता हूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कि ये रेशो होती है
आइडियल रियल वॉल्यूम के बीच और आइडियल वॉल्यूम के बीच। तो मैं लिख सकता हूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड मोलर वैल्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, हाँ जी, इसको डिफाइन कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इट इज द रेशो ऑफ एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस टू द कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसको एक्चुअल क्यों बोला रियल को, क्योंकि मुझे पता है ये एग्जिस्ट करती है लेकिन ये काल्पनिक होती है, हाइपोथेटिकल होती है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेटेड बोला और एक्चुअल रियल को बोला। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, रेशियो होता है रियल वॉल्यूम ऑफ द गैस टू द आइडियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्लियर है? तो ये था आपके पास डेविएशन किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की फॉर्म में, या फिर बॉयल्स लॉ का जो हमने प्रेशर और पीवी डायग्राम किए हैं उसकी फॉर्म में। क्लियर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।